हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांतारामस किचन। आज मैं बनाऊंगी राजमा। मैं राजमा की रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाली हूँ। मैं इसमें एक दो टिप्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो करके एकदम पंजाबी स्टाइल राजमा अपने घर पर बना सकते हैं। तो देखते हैं कि मैंने ये राजमा कैसे बनाए। तो राजमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर राजमा ले लिए। मैंने राजमा को ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, उसके बाद मैंने उबाल लिया है। उबालने के टाइम पर मैंने राजमा में थोड़े से खड़े मसाले जैसे कि तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग डाल दिए थे और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने उबाल लिया है इन्हें। ये सारी चीज़ें इसमें उबालते हुए डालने से इनका जो फ्लेवर है वो राजमा के अंदर तक जाता है और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जब भी आप राजमा उबालें तो उसमें कुछ खड़े मसाले और नमक डालकर उबालें। तो राजमा को बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें डालूँगी घी। मैं यहाँ पर घी डाल रही हूँ क्योंकि जो राजमा है वो काफ़ी अच्छे बनते हैं घी में। तो आप भी एक बार ही राजमा को घी में बना के ज़रूर देखें। ऑयल में नहीं बनाएं, घी में बनाएं। इनका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है घी में बनाने से। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल दिया है। इसे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। घी के गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग, तेज़पत्ता और लाल मिर्च। मैं बहुत ज़्यादा खड़े मसाले नहीं डालूंगी क्योंकि मैं इन्हें राजमा को उबालते टाइम ही डाल चुकी थी। तो इसमें मैंने अदरक डाल दिया। अब उसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़े से मसाले। सबसे पहले डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। मैं लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च दोनों यूज़ कर रही हूँ। मसाले डालते टाइम आप थोड़ा सा गैस का फ्लेम लो कर दें, 1-2 सेकेंड इन मसालों को भून लें अच्छे से। मसालों के भुनते ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर की प्योरी, मिक्स कर देंगे इसे। उसके डालूंगी इसमें हरी मिर्च और नमक। सारी चीज़ों को मिला देंगे और इस ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे। तो इसे मैं गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी और इसे पका लूंगी। 2-3 मिनट लगेंगे। तो जब तक हमारी ग्रेवी अच्छे से पक नहीं जाती, घी बाहर नहीं दिखने लगता, तब तक हम अपनी ग्रेवी को पकाएंगे। तो देखिए ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। जो घी है वो अच्छे से निकल कर ऊपर आ गया है और आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कितनी कम हो गई है। तो एकदम बढ़िया वाली ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। बस अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। तो अब मैं इसमें अपने राजमा डाल दूँगी जो मैंने उबाल के रखे हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और डालेंगे इसमें पानी। थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी। तो देखिए ये मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है। तो आप भी राजमा को उबालते हुए वो मसाले और नमक डालना ना भूलें। तो आप देखेंगे कि जो राजमा है वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो अब मैं इन्हें पकने दूंगी। थोड़ा सा इनको बॉयल आ जाए, अच्छे से ग्रेवी राजमा में मिल जाए, उतना पका लेंगे। तो देखिए जो राजमा हैं पक गए हैं हमारे अच्छे से, सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने बाकी के मसाले। तो पहले डालूंगी इसमें जीरा पाउडर, थोड़ा सा डालूंगी अमचूर पाउडर, गरम मसाला और उसके बाद कस्तूरी मेथी। सारी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। सारी चीज़ें मैंने इसमें कर दिया मिक्स। अब इसमें सारे मसाले डल गए हैं, हमें इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसे 1 मिनट और पका लें जिससे कि जो बाद में मैंने मसाले डाले हैं वो अच्छे से इसमें उनका फ्लेवर आ जाए। तो 1 मिनट हाई फ्लेम पर और पकाएंगे इनको और इतनी देर में हमारी राजमा तैयार हो जाएंगे। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है, कितने शानदार हमारे राजमा तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं एकदम पंजाबी स्टाइल राजमा बनाए मैंने। तो अब मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी बंद। इस पर डाल दूंगी हरा धनिया। तो हरा धनिया भी मैंने मिला दिया है। गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और एकदम मस्त
हमारे राजमा तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। तो अब हम करेंगे राजमा को सर्व। तो देखिए राजमा हमारे तैयार हो चुके हैं। एकदम पंजाबी स्टाइल राजमा बने हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर करी थी। बस आप एक दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छे आप राजमा बनाएंगे घर पे। तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।